हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिति कुक फन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 14 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह सब लोग जो एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब तंग अचानक से जंगकुक से पूछता है कि ली जंग कहाँ पर है। तब जंगकुक अपने स्ट्रेट फेस के साथ क्या था, वो अपनी जगह पर वापस चला गया है जहाँ पर उसे रहना चाहिए। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर क्या था कि अपने घर में चला गया है। तब भीम तंग को क्या था, यस मोमो चला गया है। तब तंग उसकी तरफ देखता है जैसे वो थोड़ा सा शॉक था, पर वो जो स्माइल करता है और क्या था ठीक है, और ये कहकर वो जो अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब सब लोग भीम जो अपने ब्रेकफास्ट कर रहा था, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद तंग जो एक बार जमीन को चेक करने के लिए जाता है, तब वो जाकर देखता है वो मीन जो उसे लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था, और वो दोनों जो जिमिन को ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब जिमिन जो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, जो दोनों उसे बहुत ज़्यादा फूड खिला रहा था, जिससे जिमिन इरिटेट होकर क्या था, मेरी स्टमक है या तो तुम कहना चाहते हो ये एक बैंक है जहाँ पर जितना चाहते हो इतना रख दोगे, ये नहीं हो सकता है, मैं और नहीं खाऊंगी। तब यूंगी अपनी कोल बॉयस में क्या था, नहीं खाओगे मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी बैग की हालत क्या हो गया है, और तुम चाहते हो तुम ना खाकर तुम्हारी बैग की हालत को और भी ज़्यादा बुरा करो, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम राइट हो। तब होप कहते हैं हाँ सही कहा हो, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि उसकी बैग की हालत फिर से बुरा हो जाए, और इस वजह से चुपचाप अपने खाना खाओ। तब जिमिन कहते कम से कम तुम ऐसा मत कहो जे हो, मैं सोचा था तुम कम से कम स्वीट हो, पर तुम इस शुगर के साथ रहते रहते तुम भी उसकी तरह हार्टलेस हो रहे हो। तब इस बार होप कहता है मैं हार्टलेस नहीं हो रही हूँ, मैं एकदम सच कह रही हूँ, तुम कैसे सारी बातें कह सकते हो, हम दोनों ही तुम्हारे लिए टेंशन करते हैं, और हेल्थ के टाइम पर कोई भी बातें नहीं, अब चुपचाप इसे फिनिश करो। तब जिमिन जो पाउट करने लगता है, तब तंग उसे देखकर स्माइल करता है और वो सोचता है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वो जो रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है, तब भी आकर जो तुरंत उनके हाथ को पकड़ लेता है और सॉफ्टली कहते हैं मॉम मैं क्या आपको रूम में जाने में हेल्प करूं, या तो आप डैड के पास जाना चाहते हैं। तब ये सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है तुम मुझे रूम में लेकर जाओ क्योंकि मैं टायर्ड हो रही हूँ और मुझे मेरी पैर में भी पेनफुल हो रहा है। तब ये सुनने के बाद भी कहते हैं ठीक है, और ये कहकर वो जो तंग को रूम में जाने में हेल्प कर देता है और उसे सॉफ्टली बेड पर बैठाते हुए, और ओम जो नीचे की तरफ देखते हुए क्या था मॉम मैं क्या आपकी स्टमक को एक बार टेस्ट कर सकती हूँ। तब तंग सुनकर स्माइल करते हुए क्या था क्यों नहीं कर सकते हो, तुम ज़रूर कर सकते हो। तब भी सुनकर जो एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ जल्दी से तंग के पास चला जाता है, और ओम जो थोड़ा सा झुककर तंग की स्टमक पर अपने सिर को रखता है और बहुत ही ध्यान लगा कर वो जो उसके अंदर जो बेबी था उसके हार्ट बीट को सुनने लगता है, और वो जिसे सुनकर अपने आप उसकी फेस पर एक स्माइल आ जाता है, और वो जो स्माइल करते हुए कहता है मॉम जब तन यहाँ पर था तब भी क्या ऐसा ही था। तब तंग जो हंसते हुए कहता है तुम दोनों ही नॉटी थे और तुम दोनों सिर्फ मुझे हार्ट करते थे और मुझे किक मारते थे। तब ये सुनकर वीर जो थोड़ा सा रेड हो जाता है और कहता है सच में मैं नॉटी थी। तब तंग कहता है तुम तन से भी ज़्यादा नॉटी थे और तुम्हारी टाइम पर मुझे हर वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होता था। तब ये सुनकर भीजू और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और वो कहता है तो फिर अब क्यों हमारी प्रिंसेस क्यों अब किक नहीं कर रहा है। तब तंग कहता है वो डॉटर है ना, वो किक नहीं करेगा। तब ये सुनकर भीजू तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग कहता है फिक्र मत करो, वो जब बड़ा हो जाएगा तब तुम उसके साथ खेल लेना, अब वो सच में नहीं करेगा क्योंकि एक डॉटर कभी भी ऐसे किक नहीं करता है। तब ये सुनकर वी कहते पर क्यों नहीं करता है। तब तंग कहते मुझे नहीं पता, डॉक्टर खुद ऐसा कहता है और सच में नहीं करता है, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर वी जो एक लंबा सांस सोता है और वो जो तंग के स्टमक पर एक किस करते हुए कहते मैं वेट कर रही हूँ जल्दी से आ जाना, और ये कहकर वो जो थोड़ा सा स्माइल करता है। तब ये देखकर तंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। फिर कुछ मिनट बाद भीम जो तंग के पैर की तरफ देखता है और कहता है आपके पैर तो फूल गया है, मैं क्या मसाज कर दूँ। तब
टाउंग क्या है, नहीं तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों करोगे, अपने उस डैड को बुलाओ जिसने सब कुछ किया है। तब वी कहता है मैं कर दूँ प्लीज। तब टाउंग कहता है नहीं तुम जाकर अपनी ट्रस्ट के साथ खेल सकते हो, या तो तुम जाकर जून यांग के साथ जाकर खेल भी सकते हो, और जाने के टाइम पर सिर्फ अपने डैड को बुला देना। तब वी हाँ कह देता है और उसके बाद वो रूम से बाहर चला जाता है। तब टाउंग सिर्फ स्माइल करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक जो अपने बेडरूम में आ जाता है, वो आने के बाद टाउंग को अपने काम वॉइस में कहता है तुम ठीक हो ना। तब टाउंग जो जंगकुक को कहता है मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब जल्दी से मेरी पैर में मसाज करो। तब ये सुनकर जंगकुक कहते इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं कर दे रही हूँ। और ये कहकर वो जो जाकर बेड पर बैठ जाता है और टाउंग के पैर को अपने लैप पर लेते हुए सॉफ्टली मसाज करने लगता है और कहता है तुम क्या ठीक फील कर रहे हो। तब टाउंग कहता है मैं तो ठीक फील कर रही हूँ, पर ये मत सोचना कि हम लोग फोर्थ टाइम भी कोई बेबी लेंगे। तब जंगकुक कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम लोग बेबी नहीं ले सकते हैं। तब टाउंग जो शौक होकर कहता है तुम्हारी और कितनी सांस चाहिए मुझे बोलो, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं एक इंसान हूँ। ठीक है तो फिर ऐसा मत कहो, पहले मुझे पता नहीं था कि हमारी ऑलरेडी दो सन हैं और मुझे अब पता है, तो फिर मैं और कोई भी बेबी नहीं चाहती हूँ, अब तीन ही काफ़ी है और तुम्हें भी ये मानना होगा। तब जंगकुक कहता है ओके फाइन मैं मानती हूँ। तब टाउंग कहता है ऐसे तुम इतने ज़्यादा बेबीज क्यों चाहते हो। तब जंगकुक जो प्राउडली स्माइल के साथ कहते हैं मेरे पास इतनी ज़्यादा मनी है कि कौन उसे पूरी तरह से ख़त्म कर पाएगा, और मुझे डर रहता है कि अगर ये ख़त्म ना हो पाए तो फिर क्या होगा, मेरी इतनी ज़्यादा कमाई हुई मनी का सब लोग क्या करेगा। इस वजह से सोच रही हूँ कि ज़्यादा बेबीज बना लूँ ताकि वो लोग जल्दी से इसे फिनिश कर दें और मैं फिर से मेरी काम पर फोकस कर पाऊँ और मैं फिर से मेरी मनी अर्न करने पर ध्यान दे पाऊँ। तब ये सुनकर टाउंग कहता है क्या बकवास कर रही हो, कोई भी कभी भी ऐसा नहीं करता है। तब जंगकुक कहता है हाँ तुम भी ऐसे ही फालतू की क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, क्योंकि ये भी कोई मतलब नहीं है कि कितनी बेबीज चाहती हूँ, मैं बेबीज चाहती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, और मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है अगर हमारे घर में हर वक्त एक छोटा छोटा बेबी रहेगा तब हर वक्त तुम्हारे ध्यान उसकी तरफ रहेगा और तुम कभी भी बाहर जाने के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम तो बेबीज को लेकर ही बिजी रहोगे, तो फिर तुम बाहर जाकर क्या करोगे, और यही बात मुझे खुश फील कराएगा क्योंकि मैं जेलस नहीं होना चाहती हूँ। तब टाउंग अपने आइस को डोल करते हुए कहता है तुम सच में बुरा इंसान हो। तब जंगकुक कहता है तुम्हारे लिए हर कुछ बन सकती हो। तब टाउंग इस बार जंगकुक की हाथ पर किक मार देता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है अगर तुम मुझे ज़ोर से किक मारते और अगर तुम्हारी वजह से मैं और अगर मेरी डॉटर को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता, मेरे लिटिल प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब टाउंग कहता है तुम्हारी और भी प्रिंसेस है। तब जंगकुक ये सुनकर हंसते हुए कहते हैं ऑब्वियसली है, जो अब उसके मादर है वही मेरी बिग प्रिंसेस है। तब ये सुनकर टाउंग की आर्ट जो रेड हो जाता है। तब जंगकुक टाउंग को कहते हैं अब क्या ठीक हो। तब टाउंग हम अपने सिर हिला देता है और कहता है अस मैं तन को नहीं देखा हूँ, वो ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहा था। तब जंगकुक कहते हैं वो मेरे पास आया था, उसके ब्रेकअप हो गया है। तब ये सुनकर टाउंग शौक होकर कहते हैं क्या ब्रेकअप, पर किसके साथ, वो तो अभी एक छोटा बच्चा है, तो फिर वो कब रिलेशनशिप में आया था। तब जंगकुक एक प्राउडली स्माइल के साथ कहता है वो क्या सोच भी सकता है, वो जी होंग के साथ बातें कर रहा था और उसने कहा है कि जी होंग जो उससे ब्रेकअप करना चाहता है और उसे डिवोर्स भी देना चाहता है। तब ये सुनकर टाउंग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। तब जंगकुक कहता है और इसके रीज़न ये था कि तन ने जून यांग को कहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है ना कि जी होंग से, तब सिर्फ यही रीज़न था जी होंग और तन के बीच में झगड़ा की। तब टाउंग कहते हैं मुझे लगता है सच में तन उसके लिए पॉजिटिव बन रहा है। तब जंगकुक कहते हैं मैं क्या नहीं करती हूँ, अगर वो लोग एक साथ भी रहता है तब भी ठीक है। तब टाउंग कहते हैं सच में तुम एक बुरा डैड बनोगे। तब जंगकुक कहते हैं मैं एक अच्छा डैड हूँ, इसी वजह से मैं उन लोग को सपोर्ट कर रही हूँ, तुम कैसे मुझे ये सब कुछ कह सकते हो। तब
चाहूँ कहते सपोर्ट नहीं है, ये बिगाना कहता है। वो दोनों अभी भी एक बच्चा है और तुम अभी से ही एक बेबी को ये सब कुछ सिखा रहे हो। और बोलो तुमने और क्या क्या सिखाया है। तब जंगू कहते मैं सिखाया हूँ कि बेबी भी कैसा आता है। तब ये सुनकर त्यांग जो इस बार जंगू के ऊपर इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो चिल्ला कर कहते क्या बकवास कर रहे हो तुम ये इतनी ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो। और ये कहकर वो अपने पैर को जंगू की लफ से हटाने की कोशिश करता है पर जंगू नहीं छोड़ता है और कहते मेरी पूरी बात तो सुन लो। तब त्यांग कहते मुझे नहीं सुनना है, उन लोगों को जाकर कैसे भी तुम समझाओगे कि वो सब कुछ झूठ है क्योंकि तुम ऐसे बातें नहीं कह सकते हो। तब जंगू कहते मैं सिर्फ कहा हूँ कि एक किस करने से बेबी आता है और बेबी आने के लिए पहले बड़ा होना पड़ता है और वो भी कम से कम 18 की, और अगर तब तक वो लोग नहीं होता है तो फिर बेबी नहीं आएगा और तब तक किस वर्क नहीं करेगा। तब ये सुनकर त्यांग जंगू को कहते सच में यही कहा होना। तब जंगू कहते अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर अपने उस इनोसेंट बॉय से पूछ लेना जो तुम्हारी तरह ही इनोसेंट बना है। तब ये सुनकर त्यांग कहते तुम सच में मुझे अटैक देने वाले थे, आगे से ऐसे बातें बिल्कुल भी मत कहना। अगर मैं हार्ट अटैक किया तो फिर क्या होगा, तुम सोच कर भी देखी हो। तब जंगू जो कहते कुछ भी नहीं होगा, मेरी होते हुए तुम्हें क्या हो सकता है। और ये कहकर जंगू जो अपनी सौंपली बनी स्माइल देता है। तब ताऊ सिर्फ जंगू की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देख रहा था क्योंकि उसे अभी भी ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा शौक लग रहा था। और दूसरी तरफ भीम जी यंग और जी योंग और तन भीम जो एक साथ बैठा हुआ था और वो लोग जो खेल रहा था। तब तन जो बार बार जी यंग की तरफ जा रहा था और वो जो उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था पर भी बार बार बीच में आ रहा था और तन को रोक दे रहा था। और दूसरी तरफ से तन के पास भी जी होंग आ रहा था और उसे भी बार बार रोक रहा था। तब भी तन को वार्निंग करते हुए कहते थे तन क्यों तुम जून यांग के पास बार बार जा रहे हो, तुम्हें किसने कहा है उसके पास जाने के लिए, तुम्हारे पास जी होंग है ना तो फिर उसके पास जाओ। तब तन कहते थे वो ऑलरेडी मेरे पास है और इसी वजह से मैं जून योंग को भी अब मेरे पास चाहते हो। तब ये सुनकर भी जो गुस्से में आ जाता है और कहते ऐसा नहीं होगा और ये कहकर वो जो जून यांग को अपने पास खींच लेता है। तब जून यांग की आर्ट जो थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब तन जो उसके पास जाने की कोशिश करता है। तब जी योंग जो गुस्से में आकर तन के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं तुम क्यों उसके पास जा रहे हो। तब तन कहते हैं क्योंकि मैं भी उसके साथ खेलना चाहती हूँ। तब जी योंग कहते हैं तो फिर खेलो ना, उसके साथ क्यों तुम्हें बातें करना है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ बातें करने के लिए, तुम क्यों उसके पास जा रहे हो। तब जंगू के एक लंबा सांस सुनता है और कहता है तुम क्यों अपने उस कोल्ड डैड की तरह हुए हो। तब जी होंग कहता है कोल्ड हो या तो जैसे भी हो मेरा डैड है। तब तन कहता है पर मुझे जून यांग भी चाहिए। तब ये सुनकर वीर जो गुस्से में जून योंग की हाथ को पकड़ते हुए कहता है मेरी रूम में चलो, और कहकर वो जून यांग को लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब ये देखकर तन जो उसे रोकने की कोशिश करता है पर भी जो उसके पहले उसे लेकर चला जाता है। तब तन जी योंग की तरफ देखता है जो गुस्से से पाउट करके रखा था और वो जो गुस्से से तन की तरफ ही देख रहा था। तब तन एक इनोसेंट स्माइल के साथ उसके पास आने लगता है और अपने बॉक्स से स्माइल के साथ कहते हैं जी योंग चलो हम लोग खेलते हैं। तब जी होंग जो दूसरी तरफ देखते हुए कहते हैं अपने उस जून योंग के पास जाओ, उसे तुम नहीं चाहते थे अब मेरे पास क्यों आए हो, तुम सच में बुरा इंसान हो, तुम कल जो सब कुछ ठीक किए थे और तुम अब फिर से मेरे साथ फाइट किया हो, तुम बुरा हो और मैं बुरा इंसान के साथ बातें नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे डैड ने मुझे कहा है बुरा इंसान के साथ बातें नहीं करना चाहिए और तुम बुरा हो। और ये कहकर जी योंग जाने की कोशिश करता है पर तन जो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो इसमें समझ नहीं पा रहा था कि जी होंग क्यों गुस्से में है, वो सिर्फ चाहता है जून यांग भी उसके पास आए। तब जी होंग जो जल्दी से दौड़ते हुए उसके मॉम डैड के रूम में जाता है। तब वो जाकर जो जल्दी से जिमिन के पास चला जाता है। तब जिमिन जो उसे सॉफ्टली पकड़ते हुए कहते क्या हुआ है। तब जी होंग जो जिमिन की और भी ज़्यादा करीब जाने लगता है, जिमिन जो बेड पर बैठा हुआ था। तब जी होंग उसकी
और भी ज्यादा क्लोज जाते हुए क्या रहते हैं, मॉम मुझे तन के साथ बातें नहीं करना है। तब तन जो वाइफी वाइफी कहते कहते दौड़ते हुए आ रहा था और वो जो जिमिन के रूम में आने के बाद जो रुक जाता है और अपनी सॉफ्टली इनोसेंट स्माइल के साथ क्या कहते हैं, वाइफी तुम क्यों यहाँ पर आ गए हो, देखो तुम्हारी हबी अब तुम्हारे पीछे पीछे घूम भी रहा है पर फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। तब हबी ये देख कर जो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तब ये उनके अपनी कोल्ड टोन में क्या कहते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब जी योंग कहते हैं, मॉम प्लीज़ उसकी बातों पर ट्रस्ट मत करना, वो बहुत ही ज़्यादा झूठ कहता है, अब जानते हैं वो मुझे धोखा दे रहा था और वो जो यंग के साथ जो खेलना चाहता है और मुझे रिजेक्ट कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, वो मेरी हबी नहीं बन सकता है। तब ये सुनकर योंगी कहते हैं, हाँ प्रिंसेस तुम बहुत ही अच्छा डिजर्व करते हो, उसे तुम डिजर्व नहीं करते हो। तब हबी कहते हैं, तो फिर तुम क्यों अब गुस्से में हो। तब जी योंग कहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद हो किसी और के साथ अपनी टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ तो क्यों नहीं करता है, मैं उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ। तब ये सुनकर जिमिन जो एकदम से चुप हो जाता है। तब जी योंग की बातों को सुनकर तुरंत तन कहते हैं, पर वाइफी मैं सिर्फ चाहती हूँ हम लोगों के साथ खेले और मैं ऐसे भी मेरी कैसे भाई की वाइफ को सुन सकती हूँ, तुम तो मेरी वाइफी हो ना, तो फिर मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मैं उससे नहीं लूँगी। तब जी योंग कहता है, तुम झूठी हो, तुम कल ही कह रहे थे कि वो तुम्हारी वाइफी बनेगा, मैं नहीं, तुम मुझे रिजेक्ट किया हो। तब अभी जो हंसते हुए कहता है, ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तुम दोनों क्यों हस्बैंड और वाइफ की तरह बातें कर रहे हो। तब योंगी कहता है, हबी इन दोनों को चुप करो, ये दोनों मेरी दिमाग खा रहा है, क्यों वो दोनों इस तरह से बातें कर रहा है। तब जिमिन हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है आगे जाकर मैं एक लव स्टोरी को देख पाऊंगी। तब योंगी और हबी उसकी तरफ देखता है। तब जिमिन अपनी इनोसेंट स्माइल दिखाने लगता है। तब तन जो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज़ माय डियर वाइफी मेरी बातों को सुनो, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी, मैं सिर्फ उसके साथ खेलना चाहती थी और कुछ भी नहीं, मैं स्वर करके कह रही हूँ। अरे कहकर जो स्वर करने लगता है। तब जी होंग जो पाउट करने लगता है। तब जिमिन कहते हैं, जी होंग तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने हबी को चांस देना चाहिए। तब जी योंग कहते हैं, हबी बुरा है। तब ये सुनकर जिमिन जो और भी ज़्यादा हंसने लगता है और कहते हैं, वो तुम्हारी अब हबी बुरा है। तब जी योंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब इस बार जिमिन तन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो फिर तन तुमने गलत किया हो, तुमने हमारी प्रिंसेस को रुलाए हो, अब तुम्हें इसके लिए पनिश पाना होगा। तब तन कहते हैं, मैं मेरी पनिश लूँगी पर मैं मेरी वाइफी को वापस चाहती हूँ, प्लीज़। तब जी योंग कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। तब जिमिन कहते हैं, देखे हो तुमने हमारी प्रिंसेस को कितनी ज़्यादा रुलाए हो। तब हबी कहते हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा पनिश माना होगा। तब तन कहते हैं, मैं लूंगी पर प्लीज़ जी होंग मेरे साथ ऐसे मत करो, तुम मेरी एक ओनली वाइफ हो, तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो, मेरी क्या हज़ारों वाइफ है कि मैं एक को छोड़कर और एक के पास चला जाऊँगी, ऐसा नहीं है ना। तब ये सुनकर होप मिन जी का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा था और वो सब लोग जो सिर्फ तन की तरफ ही देख रहा था जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। तब जिमिन कहते हैं, ओके डन, अब जबकि तुम हमारी प्रिंसेस को रुलाए हो तो फिर तुम्हें पनिश के तौर पर अब हमारी प्रिंसेस की बातों को सुनकर चलना होगा जब तक उसकी गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। तब जी योंग कहते हैं, वो मेरी बातों को नहीं सुनेगा, वो बुरा है। तब तन कहता है, मैं सुनूंगी, प्रॉमिस कर रही हूँ माय डियर प्रिंसेस वाइफी। तब जी योंग की पूरी फेस लाल हो जाता है, फिर वो कहता है, ठीक है अगर तुम अपनी वाइफी की बातों को सुनोगे तो फिर अब मैं चाहती हूँ मेरी हबी उसे अब खुद की फ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करेगा, उसे योंग की तरह ट्रीट करेगा और उसे कभी भी अब वाइफी नहीं कहेगा, मुझे नहीं पसंद। तब तन कहते हैं, ओके फाइन मैं नहीं बोलूँगी, प्रॉमिस। तब ये सुनकर जी होंग कहता है, मैं देखूंगी कि तुम अपनी प्रॉमिस पूरा करते हो या फिर नहीं करते हो, अगर तुम नहीं करते हो तब देखना मैं तुम्हें सिस में डिवोर्स दूंगी। तब तन कहता है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना। तब जी होंग कहता है, ठीक है चलो तुम्हारी रूम में जाते हैं और खेलते हैं। अरे कहकर जी होंग जो अपनी एक सॉफ्टली स्माइल दिखाने लगता है। तब
मिन होप जी का हालत जो फिर से बदल गया था, क्योंकि वो सब लोग जो फिर से उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, जो दोनों अपने हाथ में हाथ देते हुए स्माइल करके हुए जा रहा था। तब होप भी कहता है सिसमें दोनों एक अच्छा कपल बनेगा बड़े होकर। तब जिमिन कहता है मुझे भी लगता है बन सकता है। तब योंगी कहता है मुझे लगता है अगर मेरी प्रिंसेस को थोड़ा सा भी हर्ट हुआ तब मैं तन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो जंगकुक के सन हो या तो किसी और का हो, पर मैं क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ मेरी प्रिंसेस का दिल टूटना नहीं चाहिए। तब वो सब लोग भी जो हम इतने सिर हिला देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं योंगी कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है अपनी फैमिली को लेकर, चाहे वो हॉबी हो, जिमिन हो या तो उसकी डॉटर क्यों ना हो, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है जिससे उन लोगों को थोड़ा सा खड़ोस भी लगे। और उसके बाद जिमिन कहता है मैं मेरे दोनों डैडीज को मिस कर रही हूँ, अब क्या मुझे दोनों सॉफ्टली हक करेगा। तब हॉबी और योंगी जो बेड पर आ जाता है और जिमिन को सॉफ्टली बेड पर लेटने में हेल्प करते हुए उन दोनों ही जो जिमिन को सॉफ्टली हक कर लेता है और ऐसे ही वो लोग लेटे रहते हैं। दूसरी तरफ नामजून और जिन जो एक साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि आरएम ने जिनके सबसे ज़्यादा परफ्यूम जो पसंद था उसे ही तोड़ दिया था। तब जिन गुस्से से चिल्ला कर कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम सच में सब कुछ तोड़ने में माहिर हो। तब आरएम कहता है मैं सच कह रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी इसे तोड़ना नहीं चाहती थी। तब जिन गुस्से से कहता है बाहर चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरी फेवरेट परफ्यूम को तोड़ देते हो। तब आरएम फिर से कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं न्यू लेकर आकर दूंगी। तब जिन कहता है बाहर जाओ। तब आरएम जो उसकी क्लोज आने की कोशिश करता है पर जिन उसे आने ही नहीं देता है, जिस वजह से वो दोनों जो एक दूसरे के साथ फाइट करते करते बेड पर आ जाता है। तब आरएम जो उसे तुरंत ही पिन करते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें डबल लेकर आकर दूंगी। तब जिन कहता है मुझे इससे काम नहीं चलेगा। तब आरएम कहते हैं फोर। तब जिन कहता है अगर सिक्स लेकर आकर दे सकते हो तो फिर ठीक है, वरना अभी बाहर जाओ। तब आरएम कहते हैं ओके माई एंग्री बर्ड, मैं लेकर आऊँगी। तब जिन कहते हैं ओके डन, आगे से मेरा सिस तोड़ने के पहले 1000 बार सोच लेना वरना ये अच्छा नहीं होगा। तब आरएम कहता है मैं जानती हूँ पर ये मिस्टेकली हो गया था। तब जिन कहता है तुमसे कुछ भी मिस्टेकली नहीं होता है, तुमसे हर एक कुछ टूट जाता है, इसमें मैं और क्या ही बोलूँ, अब मुझे बिल्कुल भी स्टार्ट मत कराना। तब आरएम जो कुछ भी नहीं कहता है और वो जिन की फोरहेड पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब जिन एक लंबा सांस छोड़ते हुए जो आरएम को कहता है अब मुझे छोड़ दो। तब आरएम जो जिन को नहीं छोड़ता है और उसके ऊपर लेट जाता है। तब जिन जो हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम कितनी ज़्यादा भारी हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी क्यों रहना है, इस वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा हेवी हो, जल्दी से उठो मैं मर जाऊँगी। तब आरएम जो तुरंत उठ जाता है। तब जिन उसके ऊपर आते हुए कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर सोने दो, तुम मत सोना वरना मैं मर जाऊँगी। और ये कहकर जिन उसके ऊपर लेट जाता है। तब आरएम उसके बैग को जो बहुत ही प्यार से रब करने लगता है और कहता है कल ही तुम्हारे प्रोडक्ट्स आ जाएगा। तब जिन कहता है मैं भी यही होप करूँगी वरना मेरी पैन और तुम्हारी सिर, मैं देखना चाहती हूँ इन दोनों में से कौन पहले टूट जाता है। तब आरएम जो कहता है ओके फाइन। तब जिन कहता है मैं भी यही होप कर रही हूँ और ये कहकर ओम जो आरएम की सिर पर अपने सिर को रख देता है और खुद को काम डाउन फील करने की कोशिश करता है। तब आरएम भी उसे काम डाउन फील कराने के लिए उसके बैक को रब करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।